वहीं हरियाणा के जिला हिसार में आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेता ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। संदीप पाठक ने कहा है कि जिस दिन हरियाणा में आपकी सरकार आएगी उसी दिन SYL के मामले का भी समाधान निकाल लिया जाएगा। और क्या कुछ कहा सुनिए। बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बंपर जीत हासिल की, उसके बाद अब नंबर है हरियाणा का, जहां पर आज देखिए खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संदीप पाठक जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, आज आप हरियाणा में पहुंचे हैं, क्या लग रहा है आपको, कितनी जीत आपकी होगी? देखिए, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बार मौका दिए। दोनों पार्टियों को जितना कुछ करना था, जो इनकी बुद्धि थी, जितनी समझ थी, इन्होंने कर लिया। अब जनता ये कह रही कि यार अब थोड़े दिन घर बैठो, आप लोग दूसरों को करने दो। जनता ने देखा है कि केजरीवाल जी ने किस तरीके से दिल्ली में और फिर पंजाब में अच्छे काम किए, तो केजरीवाल तो हरियाणा का लाल है, उसको तो मौका ज़रूर देगी। तो इस बार एक मौका केजरीवाल को हरियाणा देने वाली है। प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी यहाँ पर और खूब विकास करेंगे हरियाणा का। सर, शपथ ग्रहण का आज आयोजन यहाँ पर किया गया, कितने लोगों को आपने शपथ दिलाई और क्या कितना आप भरोसा अपने कार्यकर्ताओं पर कर रहे हैं? देखिए, हमारे कार्यकर्ता की अगर मैं बात करूँ तो सारे निस्वार्थ हैं, सब कुछ न्योछावर करने के लिए आए हैं। और ऐसे साधारण साधारण आम लोग हैं जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, जानते हुए भी कि राजनीति कठिन है, वो राजनीति से जुड़ रहे हैं। क्यों? उनको कुछ नहीं बनना है, उनको देश के लिए कुछ करना है। तो मुझे बहुत भरोसा है और मेरे जितने वॉलंटियर हैं, पदाधिकारी हैं, 100-100 पे भारी है एक एक। तो इस बार इनका जो अहंकार है कि हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता, ये आम साधारण वॉलंटियर इनका अहंकार इस बार तोड़ेंगे। सर, क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर आपकी अहम जो है विशेष ध्यान रहेगा? क्योंकि अगर हम बात करें किसानों की, लगातार बिजली की, देखिए पूरे यूपी की बात करें तो लगातार बिजली से सभी लोग जूझ रहे हैं, आप किस अहम मुद्दों पर ध्यान देंगे? क्योंकि शिक्षा की अगर हम बात करें, दिल्ली में आपने देखा है कि जिस तरीके से शिक्षा में ध्यान दिया गया है, आप यहाँ हरियाणा में किस तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे? आज भारत देश में सबसे बड़ी समस्या अगर क्या है आप देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या है कि वो है बेईमान राजनीति। राजनीति गंदी हो गई है और चूंकि राजनीति गंदी हो गई है इसलिए सारे निर्णय गलत हो रहे हैं। आप स्कूल ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, रोजगार ले लीजिए, किसान से संबंधित ले लीजिए, भ्रष्टाचार ले लीजिए, हाहाकार मचा हुआ है। हरियाणा की आप बात ले लो, खट्टर साहब का एक भी ऐसा डिपार्टमेंट बता दीजिए जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग हो चाहे अनुकंपा नियुक्ति तक में यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। आप टीचरों की बात कर रहे थे, 25,000 से ज़्यादा टीचरों के पोस्ट अभी खाली हैं। आप सोचो ऐसे राज्य में जहाँ पर टीचर ही नहीं है, वो भविष्य कैसे बनाएंगे? इसका मतलब आपको हरियाणा के जो बच्चे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो किस बात से आपको लेना देना है? मेरा ये मानना है कि दोनों सरकारों ने भ्रष्टाचार किया है और इस बार जनता बदलाव चाह रही है। ये थे हमारे साथ संदीप पाठक जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से पंजाब में प्रचंड जीत आम आदमी पार्टी ने हासिल की है, वैसे ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी की जीत देखने के लिए मिलेगी। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो शिक्षा, बेटियों, बिजली, पानी, सब पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कैमरामैन अतुल के साथ मैं प्रिया राणा हिसार। बात इसके साथ ही आप नेता अशोक तंवर से भी हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, सुनिए। बातचीत के लिए हमारे साथ अशोक तंवर जी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है पार्टी जितनी जोर शोर से तैयारियां कर रही है, क्या लग रहा है? लग यही रहा है कि नतीजे आम आदमी के पक्ष में होंगे। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम आम आदमी पार्टी कर रही है, शपथ ग्रहण। कोई पार्टी ऐसी नहीं जो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने जो मजबूत साथी हैं उनको इतना महत्व देती हो। और ये करनाल से सिद्ध हुआ, आज दूसरी लिस्ट आई है और अभी तो शुरुआत है। अभी तो 2.5 लाख लोग जिस दिन, एक दिन में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में शपथ लेंगे देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को इनके चुंगल से, जिन लोगों के चुंगल में लगातार ये प्रदेश फंसा रहा, भ्रष्टाचार जिस तरीके से रहा, आज मैं समझता हूँ कि एक नई उम्मीद की किरण जो है वो आम आदमी पार्टी में और झाड़ू के निशान में और अरविंद केजरीवाल जी में देश देश। सर, अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो क्या अहम चीज़ें रहेंगी, कौन सी चीज़ों पर आपका विशेष ध्यान रहेगा? जो दिल्ली मॉडल है वो देश का मॉडल बनेगा। शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य की सेवाएँ होंगी, रोजगार मिलेगा, लोग आपस में झगड़े नहीं करेंगे, कानून व्यवस्था का राज होगा, नशा खत्म करेंगे। तो जो जो जरूरतें हैं, पहलवानों को पिटवाएंगे नहीं, किसानों के लाठी नहीं मरवाएंगे,
पेंशन जो है पुरानी पेंशन बहाल करेंगे जैसे पंजाब में करी है, सतलज यमुना लिंक से लेकर के हम तो पूरे दुनिया का चाहते हैं कि इस देश के अंदर इस हरियाणा के अंदर पानी आए और उसके लिए सब मिलकर के प्रयास करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे। देखिए ये थे हमारे साथ अशोक तंवर जी, जिन्होंने कहा कि हम बात करें तो हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले अहम जो रहेगा वो शिक्षा पर ध्यान रहेगा, और साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल पर ही पूरा जो हरियाणा है वो विकसित करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आएगी। कैमरामैन अतुल के साथ मैं प्रिया राणा हिसार।